अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रैंक पुश कैसे किया जाए और किस तरह किया जाए। यानी कि अब सिंपल वे है कि सबसे पहले आप लोगों को चाहिए यार एक परमानेंट स्क्वाड, 3 बंदों का हो या 4 बंदों का चलेगा, 2 बंदों का नहीं चलेगा। 2 बंदों का चलेगा लेकिन आपको उसके लिए बहुत ही मतलब स्मार्ट होना पड़ेगा अगर आप डुओ हो तो, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि 4x4 हो खेलो। इससे क्या होगा कि आपका रैंक भी ज़्यादा प्लस होगा, ठीक है, और माइनस कम होगा जब आप 4 बंदे खेलोगे। अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड या डुओ वर्सेस स्क्वाड, ट्री वर्सेस स्क्वाड खेलोगे तो माइनस थोड़ा ज़्यादा होगा और प्लस थोड़ा कम होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यार स्टार्ट पे तो हम लोग पिल विल जाते हैं, क्या करें, क्या किया जाए यार। तो गाइस देखो, जब भी आप लैंड करो ना तो अपने स्क्वाड्स को बोलो कि यार अलग अलग घरों पे लैंड हो जाओ। इससे क्या होगा कि यार आप लोगों को अलग अलग पोजीशन मिल जाएगी और अच्छी सी लूट ही मिल जाएगी। अगर एक ही जगह लैंड करोगे तो यार ना आपको गन्स वगैरह मिलेगी, अच्छी लूट भी नहीं मिलेगी और एनिमी से पिल जाओगे। तो सबसे पहले कोशिश करो कि अलग अलग लूटो, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात ये कोशिश करो, अगर आप दूर जा रहे हो तो सबसे पहले एक बंदा ऐसा हो जिस थोड़ा सा स्मार्ट हो और वो गाड़ी की तरफ जाए, वो गाड़ी लेके आए और उसको उसको पता होना चाहिए कि मैंने गाड़ी कहाँ लगानी है, कैसे निकालना है, वो गाड़ी चलाए, वही ड्राइविंग करे, ठीक है। एक बंदा गाड़ी की तरफ चल जाए। अब गाइज मैं क्या करता हूँ कि अब थोड़ा सा मतलब यानी कि ना मुझे आइडिया हो जाता है कि मैं किस तरह ड्राइविंग करूँ, किस तरह कहाँ गाड़ी रोकनी है कहाँ नहीं, तो मैं सीधा जाता हूँ गाड़ी की तरफ। मैं अपने टीममेट्स को बोलते हैं तुम घरों पर जाकर लूट करो, मैं जाता हूँ गाड़ी की तरफ, क्योंकि यार गाड़ी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, हमने जाना है यहाँ से मिलिट्री बेस, ठीक है। कोशिश करो गाइज ऐसी जगह जाओ जहाँ पे लूट वगैरह आपको मिल जाए। अगर आप डुओ खेल रहे हो ना तो यार मैं बोलता हूँ कि आप लोग मेंशन जाओ, मेंशन में बहुत अच्छी मिल जाती है अगर आप डुओ खेल रहे हो। और अगर आप स्क्वाड में खेल रहे हो तो कोशिश करो मिलिट्री बेस पुशिंग की ये सब जगह जाओ, ठीक है, या जॉर्जो सिटी वगैरह, ताकि लूट भी बहुत अच्छी मिल जाए। अब जैसे कि मेरे सामने आप देख सकते हो एनिमी है, तो यहाँ मैं कैसे निकलता हूँ देखो। ओए भाई बंदा उतरा है। वॉच आउट। हाँ हाँ देखा देखा। वॉच आउट। मेरी छत पे वो बंदे हैं। शॉटगन है लेके आऊँ? शॉटगन है मेरे पास। ओ चलो लास्ट लास्ट Watch लास्ट out! लास्ट ही रहा। Watch out! इस पे गन नहीं होगा। तो यार यहाँ पे आपने देखा होगा यार कि हम लोग किस तरह अलग अलग उतरे और हर बंदे को एटलीस्ट एक गन मिल चुकी थी, जिसकी वजह से मतलब मेरे टीममेट्स के पास बचने का चांस था। अब एनिमी को भी अचानक से गलती से गन मिल गई और उसने मेरे एक टीममेट को नॉक कर दिया, लेकिन मेरे बाकी जो टीममेट्स थे उन वो अलग अलग उतरे तो उनको गन वन मिल गई और उनने बचा लिया, ठीक है। तो यार हमेशा ये किया करो कि आप लोग अलग अलग उतरा करो, ताकि एटलीस्ट एक बंदे का रैंक तो माइनस ना हो, क्योंकि यार किस्मत हर बारी साथ नहीं देती और हर कोई कहता है यार आप ये करो तो यूं हो जाएगा, ये करो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर बारी किस्मत आपका साथ नहीं देती है, लेकिन आपको कोशिश करते रहना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, रैंक पुश में ये तो करना ज़रूरी होता है। अब गाइस ये हमेशा होता है यार, मैं सोचा कि मिलिट्री बेस में कोई भी नहीं होगा और मैं मिलिट्री बेस की तरफ गया तो यार अचानक से एक स्क्वाड निकल आया और मेरी फट के हाथ में आ गई। तो यार यहाँ मैं कैसे बचता हूँ वो भी देखना यार। भागो 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 भागो। यो सदम बामो के कहां स्टेशन जा रहा हूं। लो स्टेशन आ जा यार, यहां आ जाओ। आ रहे हैं, कमिंग कमिंग। पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं। भागो भागो भागो। हेलो हेलो तू हले। हेलो 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 गन वन यार। हेड टुवर्ड दिस पॉइंट यार। ओके ले मिली। खाली रैंक पुश है ये। लो लो रैंक पुश कर रहे हैं। आई बॉल मारे ना प्लस मिलेगा। नहीं नहीं हमारा रैंक नहीं है, बस अभी खत्म है रैंक।
मर गया। सो गाइस यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ सीखने वाली थी, वो सीखने वाली ये थी कि यार आपने नोटिस किया होगा कि मैं ऑफिस से सी बिल्डिंग तक गाड़ी भी आया, क्यों? इस वजह से गाइस, क्योंकि यार देखो अगर मैं ओपन से आता तो कैंपर वगैरह जिस तरह ये थे, यहाँ पे कैंपर ऑलरेडी थे, ये मुझे पेल देते ओपन से, ठीक है, मुझे बॉट समझ के ये लोग पेल देते। तो गाइस यहाँ पे आप लोग भी ये मिस्टेक कभी नहीं करो, अगर आप लोग पैदल हो यानी कि आपके पास गाड़ी वगैरह नहीं है, ठीक है, तो कोशिश करो कि स्मोक किया करो, और स्मोक से क्या होता है कि यार एटलीस्ट आपको कवर बहुत अच्छा मिल जाता है, दूसरा ये कि आप मतलब बच बच जाओगे, ठीक है, तो ये चीज़ लाजमी किया करो कैंपर से बचने के लिए। एंड गाइस सेकंड चीज़, जब 30 बंदे लाइव हो ना तो इसका मतलब आप टॉप 10 के रैंकिंग में आ सकते हो, ठीक है। तो अब आप लोगों का यही काम है, अगर आप डो खेल रहे हो तो टॉप मतलब अगर लाइक 14 लाइव है इस तरह पे तब आप रश करने के लिए निकलो। अभी यहाँ पे स्क्वाड में खेल तो 30 लाइव है तब आप रश करेंगे। अब आके फ्लेयर थी गाइस, तो अब हमने करना है रश, हमें चाहिए किल्स। तो अब यहाँ पे ज़रा फाइट देखो हम लोग कैसे फाइट लेते हैं सुकून से। फाइट चल रही है, थोड़ा सा पीछे रोकना। दूसरा स्क्वाड भी है। सो गाइस आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि यार जो गाड़ी थी हमारी, मैं अब गाड़ी किस तरह ले गया, बिल्कुल रिज पे ले गया। इससे क्या हुआ कि एनिमीज की जो बुलेट्स थे वो हमें नहीं लगी और हमारे मतलब हमें एनिमी स्पॉट करने का मौका भी मिल गया। तो गाइस आप लोग भी यही चीज किया करो, जब भी गाड़ी चलाओ कोई ऐसे बंदे को दो जिसका लैग नहीं हो, ठीक है, जिसके पास डिवाइस भी अच्छी हो, और उस बंदे को कहो कि भाई ऐसी जगह गाड़ी रोके जहाँ पे एनिमी का स्प्रे वगैरह और एनिमी को एंगल ना मिले आप लोगों को नॉक करने का, ठीक है। सबसे पहले ये कोशिश किया करो रश करने से पहले। एंड गाइस क्लोज रेंज फाइट में ना मैं अक्सर क्राउच करने लगता हूँ, तो मैं अक्सर जो है ना मेरा एडीएस ओपन हो जाता है यानी कि स्कोप इन हो जाता है, तो ये मैं गलती बहुत ज़्यादा करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने वही गलती की, अब ये गलती मेरी आप देखें और इसको आप लोग कभी भी नहीं दोहराना। और भाग गया मुझे पीछे से पड़ी। तू भी रिवाइव क्यों था? स्मोक क्यों? स्मोक क्यों? नहीं जो भी भाई को रिवाइव दे दे, लो है बहुत लो है। ओके एक मिनट नहीं करेगा, नहीं नहीं पीछे से खुलेगा। सो गाइस ये गलती मैंने कर दी थी, उसके बाद यार मेरे टीममेट्स ने बहुत साथ दिया सपोर्ट करने का यानी कि मुझे बचाने का, बड़ी कोशिश की, और इन देर में बॉट भी आ गया। तो यार बॉट हमेशा यही कांड करते हैं, तो शुक्र है बॉट ने मेरे को नहीं मारा, ना एक बुलेट भी लगती ना मैं पिल जाता। तो यार गलती आप लोग नहीं करना कभी क्लोज रेंज में, अपना जो एडीएस वाला है यानी कि स्कोप इन करने वाला ये कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। ये मैंने गलती कर दी, मैंने गलती से ओपन कर दिया, ठीक है, जो गलती होती है तो सॉरी। लेकिन गाइस अभी यहाँ पे फाइट ख़त्म नहीं हुई क्योंकि यार रैंक पुश है, ज़ाहिर बात है सबका रैंक हाई है तो प्लेयर्स भी वैसे आएंगे। तो ऐसे ही हुआ, स्कूल में ऐसा प्लेयर निकला है गाइस, दो प्लेयर हैं वो बहुत ही अच्छा स्प्रे दे रहे थे और उन्होंने मेरे टीममेट को गाड़ी से गिरा दिया और इतना प्यारा स्प्रे दे रहे थे। तो फिर हमने बोला यार इनके साथ तो फाइट लेना बनता ही बनता है, क्योंकि यार अच्छे प्लेयर के साथ गेम खेलना, उनके अगेंस्ट गेम खेलना मुझे बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, बेशक हारो जीतो कुछ सीखने को मिलता है। तो यार यहाँ पे मैं गाड़ी फुल रिच से लेके गया, लेकिन गलती यहाँ पर ये हुई कि मैं उनके मुंह की तरफ ले गया, थोड़ा सा जिग जैग करके लेफ्ट राइट लेके जाता तो मैं मेरे टीममेट बच जाता, लेकिन यार हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ हुआ था तो मैं बचा नहीं सका, इसके लिए सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी माइनस नहीं लगेगा, 10 बंदे ही बचे, 11 बंदे जिसमें से 3 आप हो। मैं बोल रहा था अच्छा मार रहे हैं वो, बहुत अच्छा है। कोई नहीं इधर नेड़ आएगा, देखना नेड़ आएगा, देखना यार बहुत अच्छा वाला।
हम लोग ओपन में थे ना, वो शूट कर सकते हैं। गलत पे हो, आराम से आराम से। कोया मनी क्लियर है, मौके पीछे से आ जाओ, ड्रोन आ रहे हैं, निकलना पड़ेगा। हां ये गाइस फाइट के दौरान जब मैं वो ब्रोकन वॉल के आगे बैठा ना, तो मुझे लगा शायद ये ग्लिच से नजर आ रहे हैं। मैं बोला नहीं नहीं यार, ग्लिच से नजर नहीं है, बल्कि खिड़की से नजर आ रही है, पेल दो पकड़ के। तो इतना अच्छा मौका था भाई लोगों को, मैंने पेल दिया। वो लोग बोल रहे हैं ये साला हैकर निकला है, कुत्ते का बच्चा, गाली शाली दे रहे होंगे। लेकिन ये उनको नहीं पता, उनको अंदाजा भी नहीं था भाई ने मतलब उनको कैसे मारा। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि अच्छे से अच्छे स्पॉट करने की कोशिश करो, अच्छी पोजीशन लेने की कोशिश किया करो, ऐसा एंगल लो कि यार आपको मतलब फाइट निकालने में, फाइट लेने में ईजी रहे। बेशक आप नूब हो या जैसे भी, जैसे कि मैं नूब हूँ या प्रो हूँ, जैसे भी हूँ, लेकिन यार माइंड हमेशा यूज़ किया करो। जैसे भी गेम खेलो लेकिन हमेशा माइंड, बेशक टीडीएम में खेल रहे हो ना, हमेशा माइंड से खेलो। एग्रेसिव खेलना ज़रूरी नहीं है, माइंड से खेलना ये ज़रूरी है। उसके बाद कैसे हम लोग गाड़ी लेके यहाँ पर आते हैं स्क्वाडर्स, क्योंकि ये थोड़ा सा सर्कल का सेंटर होता है। तो हम लोग कहते हैं यार यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया जाए, क्योंकि मेरे पास वेस्ट नहीं होती, तो मैं वेस्ट की तलाश में इधर उधर दर बदर भटक रहा होता हूँ। मैं बोला एटलीस्ट लेवल 1 की मिल जाए, लेकिन यार मिलती नहीं है, फिर अचानक से मिल जाती है। ठीक, और जब मिलती है तो तेरे मेरे टीममेट्स ना एनिमीज को नॉक कर देते हैं, और जब नॉक करते हैं फिर मैं कहता हूँ यार अब तो पुश बनता ही बनता है। गाइस अब बचे होते हैं आखिरी बंदा, यानी कि आखिरी दो बंदे बचे होते हैं, बल्कि नहीं तीन बंदे बचे होते हैं। ठीक है, तो वो तीन बंदे हमें नज़र ही नहीं आते यार, कहाँ हैं, किधर हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा होता है। काफ़ी देर तलाश करते करते हमें फिर अचानक से दो सांप, वो भी गिली सूट पहने हुए मिलते हैं, और भाई वो जो हमारे पे एकदम हमला करते हैं ना यार, फट के हाथ में आ जाती है। सो गाइस आखिरी बंदा रह जाता है, यानी कि दो बंदे रहते हैं, एक बंदा तो जून से पिल जाता है, बाकी जो दो बंदे हैं ना भाई कतई ख़तरनाक स्नेक, और वो भी गिले सूट पहन के। तो यार मतलब स्नेक को स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा गलत सीन होने वाला है। अब मेरे जो टीममेट्स हैं उसने तो देख लिया, मुझे नज़र नहीं आया, यार कहाँ है कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर अचानक से मेरे को दो जाना सांप नज़र आते हैं, उसके बाद भाई मेरी फटके हाथ में रहती है जब मैं एक गलती करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार पैन से मारो, लेकिन यार पैन जो है ना लगता तो है लेकिन नॉक नहीं होता। अब मैं यह समझता शायद एक बंदा है, लेकिन यार वो दूसरा मतलब एक को मैंने नो किया, तो दूसरे ने जो मेरे को मारा ना मेरी फटके हाथ में आ गई। देखो वो दूसरा भी दो दो लेटे हुए हैं। मैं बोला अरे भाई दो दो एक इस में लूं। Enemies ahead. तो फाइनली यहाँ में मिलता है विनर विनर मुर्गी डिनर। तो कैसे लगा विनर विनर मुर्गी डिनर, तो कमेंट करके बताना, और अगर आपने कुछ सीखा हो तो यार ये भी कमेंट करके बताना। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी दो में। याद रखना, अल्लाह हाफिज़।